चलूंगा उस्ताद मियां गुलाम नबी के पास। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का माशाल्लाह। तैयारी कैसे जा रही है? सही है माशाल्लाह। लाइटें लग रही हैं अब? आज लाइटें लगा रहे हैं आप? वालेकुम सलाम जाकिर भाई। वालेकुम सलाम। तो ये जी देखें लाइटें जल चुकी हैं अभी। वालेकुम सलाम। ये देखें ये लाइटों का वो रिहर्सल हो रही है अभी, आप देखते होंगे। ये वो बहुत बड़ा सेटअप लगाया है लाइटों का आज उस्ताद जी ने। अगर मैं ऊपर नीचे दिखाऊं तो आप देखें बहुत सारी लाइटें लगाई हैं आज इन्होंने अपनी छत पर माशाल्लाह। ये कबूतरों का शौक करें जी उस्ताद जी के, कबूतरों का शौक करें माशाल्लाह। क्या बात है, एक से बढ़कर एक कबूतर है और हर वैरायटी का कबूतर आपको यहाँ पर नजर आएगा माशाल्लाह। उस्ताद खुद पकड़कर हमें शौक करवा रहे हैं। उस्ताद जी क्या कौन से कबूतर आप का शौक करवाएंगे? ये मेरे सबसे पुराने कबूतर है। अच्छा एक मिनट। ये उस्ताद जी के बहुत ही सीनियर कबूतर पुराने। उस्ताद जी क्या नाम है इन कबूतरों? कूली वाला है। कूली वाले? कूली वाले। ये जी कूली वाले कबूतर हैं उस्ताद के, बहुत पुराने। गर्मियों में तो ऊपर खाते माशाल्लाह। कूली वाले। और ये जी स्टेशन वाले लालपरी मिलेगा माशाल्लाह। ये जी लाल परियों का भी शौक करें माशाल्लाह। बहुत ही अच्छे कबूतर हैं उस्ताद जी के माशाल्लाह। उस्ताद जी अपने कोई वो ब्रीड का शौक दिखाएं। ये देखें जी उस्ताद जी के कबूतर, वेशी कबूतर दिखाएं जी। वेशी भी दिखाते हैं आपको, मुझे पता है कि आप मियाँ की छत पे मुझे वेशी का ही जिक्र करेंगे। क्या बात है, ये बच्चे लाल परियों के उस्ताद के पास। ये जी आपके वेशी कबूतर आ गए। क्या बात है, ये वेशी, क्या बात है माशाल्लाह। ये कितना अरसा हुआ है आपके पास ये नस्ल चलती आ रही है? ये तो मेरे सन 72 है। सन 72 से? हाँ 1972 से ये इनके पास चली आ रही है, यानी कि हमारी पैदाइश और इनकी नस्ल है। यहाँ पर ये जो राडो उड़ती थी वही नस्ल है? हाँ वही नस्ल है। एक कबूतरी थी जब हम छोटे होते थे यहाँ पर आते थे तो एक कबूतरी होती थी राडो। इन कबूतरों का शौक करें। ये उस्ताद के अपने बहुत ही पुराने कसम कबूतर हैं ये वेशी कबूतर। ये वेशी कबूतर है, इनका शौक करें आप। थैंक यू आजम बलूच भाई। ये देखिए वैसे गले उठा बशीर कबूतर है ऐसे अब देखो। थैंक यू जास भाई, थैंक यू आजम भाई, थैंक यू माशाल्लाह। आपने ये ब्रीड संभाली हुई है जी? ये तो मैंने निकाल दिया, बहुत पुराने कबूतर हैं ये। नहीं अभी तो सफेद निकलते थे ना, तो ये खोलेंगे खोले। चपड़े भी दिखा रहे हैं आपको, मरो नहीं। हम घुस रहे हैं अंदर ही, बस सब दिखाएंगे आपको, मैं खुद ही दिखा रहा हूँ। फरमाइशी प्रोग्राम छोड़ो। ये देखो जी बाबा जी, बाबा जी का शौक करो बाबा।
बाबा जी का शौक करो माशाल्लाह। उस्ताद जी आपके पास एक बहुत ही 30-35-40 साल के कबूतर थे, वो यही कबूतर तो नहीं है? यही है माशाल्लाह। ये देखिए इनकी पलकें गिर चुकी हैं मगर हार नहीं मानते। ये 20-25 साल हो गए इनको मगर ये अभी तक जो है उसी हालत में। ये देखें सारे बाबे हैं 20-25 साल हो गए इनकी। हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आपके पास बेहतरीन चपड़े कबूतर भी हैं, कमंगर कबूतर भी हैं और टेडी कबूतर भी हैं, मिसे कबूतर भी हैं, हर किस्म की वैरायटी उसके आप चूहे कबूतर भी हैं, बटेरे भी हैं, समझे ना। हर लिहाज से उस्ताद के पास कबूतर मौजूद हैं। ये देखें अगर आप ये दिखाऊं मैं, ये चलने फिरने से कासिर हैं, तकरीबन इसकी उम्र हो गई होगी अब। उस्ताद जी इसको आप ये बनते हैं? हाँ 30-35 सालों की, काटते नहीं है, बहुत ही पुरानी ब्रीड है। ये जाकिर आपके लिए उस्ताद ने रखा है, आओ ले जाओ। ये देखो खुरखुर वाले तीतर भी हैं, बटेर भी हैं, सब हैं। तुम फिक्र नहीं करो, हमारे पास हर वैरायटी है। ये परवाजी कबूतरों के खुडे हैं, उस्ताद के जाल में पड़े हुए हैं इस टाइम, क्योंकि वो अंधेरा दिखा रहे हैं तो अंधेरे की वजह से वो है। बोलते हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। कैसे लगा शौक आपको सर यहाँ का? माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बहुत अच्छे जी। हाँ जी। और कराची में मैं जिस वक्त गया है कोई ना कोई नया चीज देखने को मिलना है आप। मैं उसे कहता हूँ कि जो नापैद हो गई हो, बहुत कम किसी के पास पड़ी हो, हर छत पे कुछ ना कुछ एक आधी चीज मुझे नजर आई। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चूहा ब्रीड जो है वो बड़ी देर के बाद मुझे नजर आई है, बड़े अरसे के बाद, क्योंकि तकरीबन नापैद हो चुकी है वो ब्रीड। बहुत शाजो नाजर है उनके पास, मैंने अभी देखा प्योर चूहा बड़ा अच्छा है इनके पास पड़ा। माशाल्लाह वैशी कह लें दिखाएं। हाँ हाँ मस्के नहीं मारो भाई। माशाल्लाह जी ये देखें हसीन कबूतर हैं जी, हसीन कबूतर, लाटू कबूतर। ऐसे समझो कि उस्ताद के पास खजाना है इस टाइम गर्मी सर्दी के लिए। बहुत सारे कबूतर जमा किए हैं उस्ताद ने मुकाबले के लिए जी, इतने ही कबूतर होते हैं माशाल्लाह, इतने ही कबूतर मुकाबलों के लिए जो ना होते हैं। खूबसूरत इंसान का दिल होना चाहिए, चेहरे को क्या है। क्या चीज मजे की लगी भाई आपको? मैं मजे की चीज अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें मजे की चीज। अगर आपने मजे की जी, मजा आ गया जी। अच्छा जी मजा आ गया, लुटपुट हो गए आप, मजा आ गया। अच्छा ताजी बाकी में संभाली हुई है आपने। अच्छा शायद ही किसी के पास इतनी प्योर हालत में पड़ी होगी। मुझे आँख का शौक करवाएं जी। देखे काली आंख के कबूतर हैं, जराती आंख के, ऐसे मोको लग रहा है सर जी। ये होते हैं ब्राउन आंख के, देखें यहाँ से रोशनी करेंगे ये ब्राउन नजर आएगी आपको, अंदर से लाली भी नजर आएगी, ब्राउन ऊपर वो उसकी झिली नजर आएगी। अच्छा उसका एक उड़ता था आपके पास इनमें वो। अच्छा गाजी वाले कबूतर कौन से हैं आपके? कौन से पंखों आगे
वालेकुम सलाम जुल्फी भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अभी हमने दिखाने आपको गाजी वाले कबूतर, गाजी वाले कबूतर दिखाने हैं आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कबूतर हैं उस्ताद जी के पास, तो गाजी वाले कबूतर बहुत मशहूर हुए थे उस्ताद के। पंजों का शौक करवाएं और किस चीज़ का नहीं, ये पंजों का जी, लो गाजी के पंजे, क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह गाजी गाजी। और इस गाजी का जो माजी था जी, ये बटेरे का उधर है, बहुत प्यारा था ये, पैंतीस साल ये गाजी का जो माजी था बहुत ही प्यारा था। उस्ताद जी किस टाइम तक उड़े हुए हैं आपके? शाम तक उड़े हुए गर्मी में, माशाल्लाह। और इतनी बड़ी गर्मी में इतनी प्यारी कबूतर है ये, माशाल्लाह। ऊपर कबूतर आपको नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं कबूतर ऊपर? माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो देखो माशाल्लाह, क्या बात है, ये गाजी वाले कबूतर हैं जी। भूल न जाना फिर पापा, हाँ जी उस्ताद मियां गुलाम नबी पीरजादा साहब, गुलाम नबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो जी पप्पू ब्रीड, ये पप्पू ब्रीड है, ये उस्ताद की पप्पू कबूतर है, ये उस्ताद की पप्पू कबूतर है, ये देखें माशाल्लाह उस्ताद, ये पप्पू कबूतरों का ये एक ही है ये? हाँ ये आपके पास पप्पू एक क्यों है, ज्यादा नहीं है? ये देखें जी माशाल्लाह उस्ताद जी, कौन से हैं? गुंडो गुंडो, जेनी पलका केरा ले। हाँ हाँ माशाल्लाह, हाँ बोलो बोलो कौन सा शेर है? तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न। यार छोड़ो मुझे कबूतर दिखाने दो, तुम मान की मोटी आ ली है बाप जो कैसी, क्या बात। अच्छा जुल्फी भाई, फिर पाकिस्तान आ गए शादी के बाद, तो पाकिस्तान के चक्कर लगेंगे ना आपके शादी के बाद, तो आपके पाकिस्तान चक्कर लगने ही लगने हैं। और कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं उस्ताद मियां गुलाम नबी पीरजादा के पास मौजूद हूँ, हमारे सदर जो हैं प्रेसिडेंट हैं यहाँ के। ये कौन से कबूतर हैं अभी? कमंगर, कमंगर कबूतरों का शौक करें जी माशाल्लाह जी। आपका पप्पू होगा, मेरा नहीं है जाकर पप्पू, मेरा पप्पू कोई और है। ये भी मदन यादी के घर है माशाल्लाह माशाल्लाह, जी उनके पास बहुत अच्छे कबूतर पड़े हैं। हाँ जब दोपहर को बात नहीं हो रही थी तो शादी के बारे में, उस्ताद जी के कबूतर हैं माशाल्लाह। ये अलम पाक लगा हुआ है, ये दरबार है माशाल्लाह, ये देखें आप तो बहुत बड़ा उस्ताद। ये यहाँ पर छत नज़र आएगी यासिर पीरजादा की, उनके भी कबूतर ऊपर लगे हुए हैं, शाम के बिठाने की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर, तो उस्ताद ने भी खुले हुए कबूतर, और यहाँ पर आपको नजर आएंगे उस्ताद के कबूतर माशाल्लाह।
ये देखे, ये परवाजी कबूतर है, मादियाँ हैं उस्ताद की, बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी तादाद में उस्ताद के पास कबूतर हैं माशाल्लाह। ये उस्ताद सर घर के कबूतर हैं आपके? हाँ, सब बच्चे घर के, सब बच्चे घर के हैं माशाल्लाह। मेहनत है जी इनकी माशाल्लाह, अल्लाह आपको इनका कबूल करे। हमेशा टूर्नामेंट में विन होते हैं, मुकाबलों में होते हैं, और वहाँ पर आप अगर चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे दड़बे हैं उस्ताद के पास, बहुत बहुत काफ़ी तादाद में कबूतर हैं उस्ताद जी के पास, बहुत तादाद में कबूतर यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं। मुख्तलिफ वैरायटी के मुख्तलिफ कबूतर अपने घर के बच्चे निकलवाएँ। अगर मैं शौक करवाऊँगा तो ये बटेरी मादी है या 35 वाली है, ये 35 वाली है। सियालकोटी कबूतर उस्ताद की पास बहुत है माशाल्लाह। ये शिकरी कबूतरी है और बहुत पुरानी कबूतरी है उस्ताद जी के पास। ये शिकरों में से, ये वेशियों में से उस्ताद के पास बहुत अच्छे कबूतर है माशाल्लाह। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ का विजिट किया हमने, सरप्राइज विजिट। आपको एरो कबूतर करना है ना? अल्लाह अल्लाह करेगा, बुझाएगा, एक बड़ी मेहरबानी।